कृष्णवर्गम कृष्णावतीष्ण सांग पांग अर्द्रवासदम जगति संकीर्तन पायेहि जगति भी सुनय दस। कलयुग में जो सुन सुबह सुबुद्धिमान व्यक्ति वही के भगवान को नाम रूपी संकीर्तन रूपी यज्ञ को तरह की उपासना करेगी। इसलिए महाप्रभु ने उनका अपना अंतर का बात बताए, इसलिए ये स्थान का नाम पड़ गया अंतर दीप नाम पड़ा। अभी प्रश्न है, जिसने उनको बछड़े सखाओं को चुरा है खरीद का इतना सौभाग्य कैसे मिल गया? यहाँ पर हरिदास ठाकुर बैठकर इतना सेवा कैसे की? पर जब जब ऊपर से दिखाई पड़ता है उसे चोरी की, लेकिन अंदर में उन्होंने बहुत बड़ी सेवा की। बोले क्या की? बोले कृष्णा सब गोपियों से शादी करना चाह रहे थे हैं, और उसी समय कृष्णा सभी बछड़े माताओं की स्तन पान करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने बहुत कुछ इच्छा उन्होंने पूरी की, इसलिए उन्होंने नामाचार के रूप में यही पर प्रकट हुए। ये जो धाम है आप लोग श्रवण कर रहे थे, जो स्थान है ये जैसे एक अष्टदल जैसे कमलता जैसे फूल है, और इस स्थान को मानिए कर्म कारक, और जैसे ये आठ दीप है, ये आठ दीप चार तरफ में और ये बीच कर्म कारक, तब ये अभिन्न वृंदावन, इसको बताया ये गुप्त वृंदावन है। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जो व्यक्ति ब्रजमंडल परिक्रमा करेगा केवल उनको ब्रजमंडल परिक्रमा फल मिलेगा, उनको नवद्वीप धाम का परिक्रमा फल नहीं मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति नवद्वीप धाम का परिक्रमा करेगा उनको एक साथ में दोनों धाम परिक्रमा करने का फल उनको एक साथ में प्राप्त होगा। अभी प्रश्न है भैया ये धाम की इतने उदारता दी, इतना कारण है, जब कारण है ये नवद्वीप धाम नहीं, ये राधा रानी अपना हृदय से कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने नौ महीने ये पुण्य बनाया, ये राधा रानी की हृदय है, इसलिए कोई कृष्ण लेकिन इतने दयालु कैसे बन गए? कारण है इसलिए बोलते राधा भाव सुबलिता नौ में कृष्ण स्वरूप। इसलिए जो धाम है कभी यहाँ पर जैसे नौ तरह का भक्ति का अंग है, इसलिए नवद्वीप धाम परिक्रमा करने से सारे भक्ति अंग करने का फल मिल जाएगा। लेकिन ये जो स्थान है कौन सा फल मिलेगा? यहाँ पर आत्मनिवेदन का फल मिलेगा, बस आत्मनिवेदन साधारण रूप में आत्मनिवेदन, लेकिन जो विशेष रूप में जो आत्मनिवेदन क्या है, यहाँ पर राधा रानी की प्रेम की वो वैचित्रता, जहाँ पर कृष्ण स्वयं राधा रानी के भाव को भी महाराज जी बता रहे थे, जो विशेष तीन कारणों को लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अवतरण हुए, जो राधा रानी के प्रेम की महिमा किया मेरे अंदर में किया अद्भुत माधुर्य है, जिसको श्री राधा रानी मुझे जितने आनंद होता है उसे करोड़ों गुना राधा रानी का आनंद होता है। इसलिए जहाँ पर स्वयं कृष्ण भी राधा रानी के प्रेम में वशीभूत होकर के जहाँ पर स्वयं आत्मनिवेदन काम पर उन्होंने किया, श्री राधा जी के चरण में उन्होंने आत्मनिवेदन करते हुए उनके भाव और अंग कांतियों को लेकर के श्रीमद् महाप्रभु यही पर प्रकट हुए। लेकिन कुछ लोगों का कुछ भ्रम धारणा बाबा जी होगा, पर महाप्रभु यहाँ पर जन्म नहीं लिए, वो काम लिए प्रसे गंगा का उस पात्र में महाप्रभु जन्म हुए, बोले नहीं महाप्रभु का जन्म स्थान यही पर हुए। इसलिए भक्ति विनोद श्री चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत के अनुरूप आप जो पढ़ोगे महाप्रभु संन्यास लेकर के कहां पर गए? उन्होंने काकुला नदी को पार हुए, काकुला गंगा को पार हुए, तब महाप्रभु जब गंगा को पार हुए ना श्रीवास अंगन अद्वैत अंगन यही पर है। इसलिए श्री जगन्नाथ जिस समय यहाँ पर भित्ति खनन हुई श्री जगन्नाथ का श्री जगन्नाथ मिश्र का जो अद्भुत जो मूर्ति था वो अपनी आप अंदर से वो विग्रह स्वयं निकले। जब यहाँ पर श्री जगन्नाथ का बाबा जी महाराज यहाँ पर जब लाए श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज सिद्ध महात्मा यहीं पर उन्होंने हाथ उठा तो ये यही स्थान करे श्री सचिनंदन गौर हरि का यही जन्म स्थान है। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान जो हम सत्य सब परिक्रमा करके करते श्रीमद् महाप्रभु का जन्म स्थान पर आए, यहीं से महाप्रभु हरि कीर्तन को प्रारंभ करते करते संपूर्ण विश्व में अभी हरि कीर्तन का जो बार है अभी संपूर्ण विश्व को डुबा तो हुए आप लोग उंगली खींच गए यहाँ पर